बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट नंबर 6 विच इज़ फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। एंड इन अदर वर्ड्स, इफ वी डिवाइड अ होल नंबर इनटू सम इक्वल पार्ट्स एंड वी टेक फ्यू ऑफ दीज पार्ट्स, देन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्यू पार्ट्स एंड टोटल पार्ट्स इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। A fraction has two parts, numerator and denominator. Look at the picture in the book, students. This diagram is divided into three equal parts and two parts are shaded or colored. Total parts are three. These total parts are called denominator एंड कलर पार्ट्स आर कॉल्ड न्यूमिरेटर। इसको लिखने का क्या तरीका है, आप एक स्मॉल लाइन ड्रॉ करेंगे, आप इसके बिलो द स्मॉल लाइन आप टोटल पार्ट्स लिखेंगे, अबव द स्मॉल लाइन आप शेडेड पार्ट्स लिखेंगे और आप इसको रीड करेंगे 2/3। नंबर ऑफ शेडेड इक्वल पार्ट्स दीज आर टू एंड रिटन अबव द स्मॉल लाइन दीज आर कॉल्ड न्यूमिरेटर। Total number of equal parts, which are three, and written below the small line, these are called denominator. Now come to activity. Write a fraction for the part of each shape that is shaded. In number one, आपके पास एक diagram है, इसके equal parts four हैं। आप equal पे मैं जोर दे रही हूँ, आप जब भी किसी whole को divide करें तो आपने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। जितने भी पार्ट्स आप उसके बना रहे हैं, आपको उसको इक्वली, उसके पार्ट्स इक्वल होना ज़रूरी हैं। दिस डायग्राम इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स एंड थ्री पार्ट्स आर शेडेड। आपको पता है कि टोटल पार्ट्स आपने बिलो द स्मॉल लाइन लिखने हैं, शेडेड पार्ट्स आपने अबव द स्मॉल लाइन लिखने हैं। अबव द स्मॉल लाइन नंबर इज न्यूमिरेटर, बिलो द स्मॉल लाइन नंबर इज डिनोमिनेटर एंड दिस फ्रैक्शन इज रीड एज 3/4। नंबर टू डायग्राम में ट्राइंगल है, जिसको के इसको भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। थ्री पार्ट्स आर शेडेड, शेडेड पार्ट्स अबव द स्मॉल लाइन लिखने हैं, टोटल पार्ट्स बिलो द स्मॉल लाइन लिखने हैं और इसको भी रीड करेंगे 3/4। कम टू नंबर थ्री डायग्राम, इसको सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और थ्री पार्ट्स में कलर्ड है। टोटल पार्ट्स बिलो द स्मॉल लाइन दीज आर डिनोमिनेटर, आपके कलर्ड पार्ट्स जो हैं दीज आर रिटन अबव द स्मॉल लाइन न्यूमिरेटर और आप इसको रीड करेंगे 3/6। नाउ कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इक्विलेंट फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन स्टूडेंट्स विच लुक्स डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विलेंट फ्रैक्शंस। जो कि न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में तो शायद आपको नंबर्स डिफरेंट नज़र आ रहे हों, बट उनकी वैल्यू सेम होगी। ये किस तरह आप देखेंगे कि आपके सामने बुक में एक पेयर ऑफ होल नंबर्स है, जिसमें डायग्राम्स हैं टू। आप देखें कि एक सर्कल शेप को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, ये 1/2 आएगा। आपके पास इसमें दूसरी शेप जो है उसको फोर पार्ट्स में, फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसके टू पार्ट्स में कलर्ड है। आप इसको लिखने में लिखेंगे 2/4। आपको नज़र आ रहा है कि नंबर्स में एक 1/2 है, एक 2/4 है। शायद न्यूमेरिकल या नंबर्स में की फॉर्म में ये डिफरेंट है, बट आप ज़रा देखें कि पहले में भी हाफ में कलर्ड है, दूसरे के भी हाफ में कलर्ड है। दीज हैव द सेम वैल्यू। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विलेंट फ्रैक्शंस। और इसको बनाने का क्या तरीका है, वो भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, इफ़ व्हेन वी मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, वी गेट इक्विलेंट फ्रैक्शंस। आप सपोज कीजिए कि 1/2 दोनों को, न्यूमिरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, 1 को भी 2 से, 2 को भी 2 से, तो आप चेक कीजिए कि हमारे पास 2/4 आ जाता है।
हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही बात है. इफ़ वी मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर देन वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड विच इज़ नॉट ज़ीरो. ज़ीरो नहीं होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो ज़ीरो हो जाता है. सो अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, द फ्रैक्शंस विच लुक्स न्यूमेरिकल फॉर्म में लुक्स डिफरेंट बट हैव द सेम कलरिंग पार्ट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. आप नेक्स्ट एक्टिविटीज से आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे. राइट इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट टू डिस्क्राइब द फ्रैक्शंस इन ईच पेयर. आपके सामने नंबर वन में पेयर ऑफ डायग्राम्स है. आप देखें कि फर्स्ट डायग्राम जो है इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और थ्री पार्ट्स में शेडेड है. सो ये आप इसको लिखेंगे 3/4. नेक्स्ट जो डायग्राम है वो एट पार्ट्स में डिवाइड की गई है और सिक्स पार्ट्स में कलर्ड है, इसको लिखेंगे 6/8. आप जनरली आप इस पर एक नज़र डालें तो आप देखें कि कलरिंग पार्ट सेम है या नहीं. जी कलरिंग पार्ट दोनों का सेम है. तो द फ्रैक्शंस विच लुक्स डिफरेंट इन न्यूमेरिकल फॉर्म बट हैव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. जी बिल्कुल, दिस टाइप दे जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. नेक्स्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शंस पे आ जाएं. फर्स्ट डायग्राम को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वन शेडेड पार्ट है, इट इज़ 1/4. नेक्स्ट में एट पार्ट्स है और थ्री पार्ट्स में कलर्ड है, इट इज़ 3/8. स्टूडेंट्स आप देखिए, एक नज़र डालने से ही आपको पता चल जाएगा एक का कलरिंग पार्ट बड़ा है और एक का कलरिंग पार्ट छोटा है. तो मैंने क्या आपको बताया है कि जिनका कलरिंग पार्ट बिल्कुल बराबर एक जैसा होगा वो इक्विवेलेंट और जिनका कलरिंग पार्ट डिफरेंट होगा दैट आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि पहले नंबर पे जो है उनके दरमियान में इक्वल का साइन है इक्विवेलेंट, और दूसरे में इक्वल का साइन डाल के उसको कट करना है आपने. इसका मतलब होता है नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. उम्मीद है आप ये लेक्चर अच्छी तरह से समझे होंगे एंड विल डू मोर प्रैक्टिस फॉर दिस वर्क.